नमस्कार सभी साथियों को। आज का हमारा टॉपिक है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जिसके द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, इसे मसौदा समिति भी कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, मुखौटा समिति भी कहते हैं, हका समिति भी कहते हैं। संविधान सभा के द्वारा संविधान का प्रारूप बनाने के लिए इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, जिन्होंने इस समिति की अध्यक्षता करते हुए संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस कारण भीमराव अंबेडकर साहब को भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। अब कई बार प्रश्न आएगा कि प्रारूप समिति के 7 सदस्य कौन थे, तो उन्हें हम एक सेंटेंस में ले सकते हैं कि TN से BN अड़े संविधान हम बनाएंगे। यह TC हमारा है TT कृष्णामाचारी, जो कि शुरुआत में नहीं थे। इनके स्थान पे लिए गए तो DP खेतान साहब के लिए स्थान पर। N से हमने बनाया है N गोपाल स्वामी आयंगर। C से हमारा है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। B से BR अंबेडकर साहब, जो कि इसके अध्यक्ष भी हैं। दोबारा N से बनेगा N माधवराव, ये शुरुआत में नहीं थे। किनके स्थान पे आए तो BL मित्र साहब के स्थान पे आए। एह का मतलब अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और डे का मतलब डॉक्टर KM मुंशी। तो टोटल सदस्यों की संख्या 7 थी। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, तो उनका नाम था डॉक्टर KM मुंशी साहब। प्रारूप समिति ने संविधान सभा में अपनी रिपोर्ट जो है 21 फरवरी 1948 को सौंपी और इस समिति ने यह सिफारिश की कि भारतीय संविधान जो बनकर तैयार होगा उसमें 315 अनुच्छेद होने चाहिए और 8 अनुसूची होनी चाहिए। इस समिति ने जो प्रारूप तैयार किया उस पर भारतीय संविधान सभा में 3 वाचन होंगे और 3 वाचन के बाद 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो जाएगा।